हेलो गाइज, कैमरा सेटिंग्स की नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोनी के NX100 कैमरे की रिसेट सेटिंग्स के बारे में। आपने देखा होगा कि इस कैमरे में कहीं पर भी रिसेट का बटन नहीं दिया हुआ होता है, तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कैमरे को हम किस तरीके रिसेट करेंगे और कौन सी सेटिंग्स में हमें जाना होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको NX100 कैमरे को रिसेट करना है। ये कमांड कब काम आता है, जब हमारा जो कैमरा है वो ऑपरेट नहीं हो पाता या उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई सेटिंग्स चिढ़ जाती है, तब हमें इस कैमरे को रिसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये कैमरा रिसेट होगा। अभी आप देख सकते हैं इसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर मैंने पहले से सेट की हुई है, तो ये जो सारी सेटिंग्स है ये बदल जाएगी जब हम इस कैमरे को रिसेट करेंगे। अभी यहाँ पर 9 dB जो गेन है यहाँ पर सेट हो रहा है और 60 कि यहाँ पर शट स्पीड दी हुई है और इसकी जो फोकल लेंथ है यहाँ पर इस दिखा रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मेनू बटन को प्रेस करना है, देन आपको नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पे जो अदर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, देन आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ऊपर वाला बटन आप प्रेस कर लीजिए, तो यहाँ पर नीचे नीचे इनिशियलाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही रिसेट का यहाँ पर ये सेटिंग है। इसी की मदद से हम इस कैमरे को रिसेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का मतलब रिसेट होता है। अगर आपको पता नहीं है तो जब भी आप अपने NX100 को या NX200 को रिसेट करें तो इसी सेटिंग से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ। जैसे हम ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेट टू डिफॉल्ट सेटिंग, रिबूट आफ्टर रिसेट इज मेड। मतलब जैसे आप इसको यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो ये जो कैमरा है जो कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट सेटिंग में आता है वो उस सेटिंग में चला जाएगा और आपकी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देते हैं। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो ये कैमरा थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद में वापस से ये डिस्प्ले पे शो होने लग जाएगा, क्योंकि जो सेटिंग होती है वो डिपार्ट होती है, सारी सेटिंग्स को डिपार्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है। देखिए, जैसे कैमरा रिसेट होता है तो इस तरीके से आपके सामने एक मैसेज आएगा, तो यहाँ पर आपको फिर से ओके प्रेस करना है, देन आपको फिर से ओके प्रेस करना है, और अगर आप डेट सेट करना चाहते हैं तो डेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं डेट भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। पहले देखिए 2022 अभी चल रहा है, तो जो 2022 अभी कर दिया है, ईयर कौन सा चल रहा है तो ईयर पर आप क्लिक कर लीजिए। तो ईयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर 1 जनवरी कर देते हैं। इसके बाद में कौन सी डेट अभी यहाँ पर है तो उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज की जो तारीख है यहाँ पर 28 तारीख है, तो 28 तारीख मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। देन आपको टाइमिंग भी अगर सेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं और ओके प्रेस कर देना है। तो ये जो कैमरा है ये डिफॉल्ट सेटिंग में आ गया है। देखें यहाँ पर ये जो लाइटिंग है अपने आप यहाँ पर घट बढ़ रही है, क्योंकि ये जो कैमरा है अभी डिफॉल्ट सेटिंग में आ गया है। तो इस तरीके से आप NX100 को या 200 को रिसेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे कैमरा सेटिंग की नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।